वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड के बारे में। तो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड हम उसे कहते हैं कि जब फर्स्ट बी के मेटल्स, सेकंड बी के मेटल्स और सम मेटल्स ऑफ द थर्ड ए कंबाइन विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड, दैट्स कॉल्ड बेसिकली बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि जब एलिमेंट फर्स्ट बी के और सेकंड बी के एंड सम एलिमेंट जो होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे थर्ड ए के, और ये एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे और रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। अब इन्हें हम बॉर्डर लाइन हाइड्राइड क्यों कहते हैं, इसका एक रीज़न है, वो इसलिए बिकॉज दीज एलिमेंट, ये वाले जो एलिमेंट हैं फर्स्ट बी, सेकंड बी और थर्ड ए के जो एलिमेंट हैं, बिकॉज दे आर और दीज एलिमेंट आर नियर टू बॉर्डर, ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, इसी वजह से इनका नाम जो है वो बॉर्डर लाइन है। अब बॉर्डर के करीब कैसे होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टेबल कुछ बना के दिखा देता हूँ कि ये इस ब्लॉक के जो दो ग्रुप हैं, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये जनाब जो हैं वो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके ग्रुप हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पी ब्लॉक हैं और नीचे नीचे एफ ब्लॉक होता है। इन जो एस ब्लॉक के अंदर जो हाइड्राइड बनता है हम उसे कहते हैं आयनिक हाइड्राइड, और जो पी ब्लॉक के जो है एलिमेंट के बीच में हाइड्राइड बनता है वो बनता है कोवेलेंट हाइड्राइड, वाइल जो हाइड्राइड डी ब्लॉक के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं मेटलिक हाइड्राइड, और जो एफ ब्लॉक के अंदर भी बनता है उसे भी हम कहते हैं मेटलिक हाइड्राइड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन हाइड्राइड के बारे में। देखिए आपने ग्रुप्स तो देखे होंगे कि यहाँ पे जो हैं वो एलिमेंट के जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके ग्रुप होते हैं, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट बी होता है, यहाँ पे सेकंड बी होता है इसी तरह से, और यहाँ पे एक ग्रुप होता है थर्ड ए। तो जो एलिमेंट थर्ड ए के हों, फर्स्ट बी के हों और सेकंड बी के हों, स्पेशली एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ कि एग्जांपल है कॉपर हाइड्राइड हो गया, और इनके अंदर इंडियम हाइड्राइड होगा, थेलियम जो है वो हाइड्राइड होगा, इसी तरह से ये वाले जो एलिमेंट हैं बेसिकली, जब ये जिंक हाइड्राइड है सॉरी, तो जब ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे और रिजल्टेंट जो हमें हाइड्राइड मिलता है उसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ बच्चों कि बॉर्डर लाइन हाइड्राइड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटरमीडिएट हैं। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जनाब इंटरमीडिएट होती हैं। अब वो इंटरमीडिएट क्यों होती हैं और इंटरमीडिएट जो हैं वो किसके बीच होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पे मेटलिक हाइड्राइड होते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं। ये जो थर्ड ए के एलिमेंट हैं ना, इनके बीच में देखें कौन सा हाइड्राइड बन रहा है, यहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड बनता है। तो इनके अंदर ये जो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है इनके अंदर कोवेलेंट हाइड्राइड के करैक्टर भी होते हैं क्योंकि उनके भी कुछ एलिमेंट हैं, और इनके अंदर जो हैं आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ए, सेकंड बी, ये जितने भी एलिमेंट हैं सारे डी ब्लॉक के अंदर जो हैं वो फॉल करते हैं। तो जो डी ब्लॉक के अंदर फॉल करते हैं हम उन्हें कहते हैं मेटलिक हाइड्राइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कुछ करैक्टर्स मेटलिक हाइड्राइड के भी होंगे, ठीक हो गया। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट हो गई, इनके अंदर मेटलिक हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ होंगी।